दोस्तों आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हाईली बेनिफिशियल है जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, हार्ट की कोई कंडीशन है, कार्डियक कंडीशन है, रिसेंट कोई सर्जरी हुई है जिसकी वजह से आप इतना ज़्यादा चल फिर नहीं पाते या बहुत ही ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते हैं। ये वीडियो आपको मदद कैसे करेगी, ये प्राणायाम और ये मेडिटेशन जो इस वीडियो में बता रही हूँ ये आपको मदद कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो इन प्राणायाम का जब आप अभ्यास करते हैं तो इंस्टेंटली आप फिजिकल और मेंटल एक रिलैक्सेशन महसूस करते हैं। जब आपका शरीर और आपका मन जो है रिलैक्स होता है तो इसकी वजह से आपकी जो ब्लड वेसल्स में टेंशन बनी होती है ना, वो ब्लड वेसल्स की टेंशन कम होती है जिससे आपके हार्ट का फंक्शन जो है वो इम्प्रूव होता है और ये मदद करता है आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में, आपके हार्ट की हेल्थ को और भी अच्छा करने में और साथ ही आपके शरीर को और भी ज़्यादा जो हीलिंग पावर है, शरीर की हीलिंग पावर है वो इम्प्रूव हो जाती है। जो लाभ है सिर्फ यहीं तक ख़त्म नहीं होते। ऐसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं या कि फिर पीरियड्स के दौरान हैं या कि फिर सीनियर सिटीजन हैं या आप उपवास या रोज़े रखते हैं, उस वक्त भी इन प्राणायाम और मेडिटेशन का अभ्यास आपको बहुत मदद करेगा। साथ ही आपको इन अभ्यासों से आध्यात्मिक लाभ भी मिलेंगे। तो वीडियो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइएगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो सबसे पहला हम अभ्यास करेंगे समवृत्ति प्राणायाम या इक्वल रेशियो ब्रीदिंग का। ऐसे पालती मार के क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठ जाएं और अगर क्रॉस लेग पोजीशन पे नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी या सोफे में आराम से बैठ जाएं। बस आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, पूरी स्पाइनल कॉर्ड सीधी हो, ये ध्यान रखिएगा। दोनों हाथों को ऐसे घुटने के ऊपर रखिए, अपने थंब को इंडेक्स फिंगर के साथ ऐसे जोड़ लीजिए। ऐसे चाहें तो आप ये अभ्यास ये वीडियो देखते देखते भी कर लें। आँखें बंद कर लें और गहरी लंबी सांस नाक से लें, सांसों को रोकें अंदर ही मुंह बंद करके और फिर सांस को नाक से छोड़ें और सांस को बाहर रोक लें। तो ये हो गया एक राउंड। हम ये अभ्यास 5 राउंड करेंगे, आप मेरे साथ अभ्यास करेंगे। रेशियो क्या है? 1:1:1:1, यानी 4 काउंट तक सांस लेना है, ली हुई सांस को अंदर रोकना है 4 काउंट तक, फिर सांस को छोड़ना है 4 काउंट तक और फिर उसके बाद सांस को बाहर रोक के रखना है। 4 लिया, रोका, छोड़ा और फिर बाहर रोक के रखना। तो एक ये बॉक्स ब्रीदिंग के नाम से भी इसको जानते हैं। चलिए मेरे साथ अभ्यास कीजिए 5 बार। आप जब इसका अभ्यास करें तो 5 से 10 मिनट करें, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बल्कि आप जो भी प्राणायाम करेंगे उनके किसी भी तरीके की कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आंखें बंद कर ली, कमर गर्दन सीधी रखी है, गहरी लंबी सांस ले नाक से, 1, 2, 3, 4 सांस ले ली, अब सांसों को अंदर ही रोक के रखें, 1, 2, 3, 4 अब सांस को बाहर छोड़ दें, 1, 2, 3, 4 अब बाहर छोड़ दी है तो बाहर ही रोक के रखें, 1, 2, 3, 4 फिर से सांस लें पूरक, सांसों को रोकें आंतरकुंभक, सांस छोड़ दें रेचक और सांसों को बाहर रोक के रखें बहिर्कुंभक। अभ्यास को जारी करें। अभ्यास करते वक्त एक चीज का विशेष ध्यान दें कि सांसें लेने, रोकने, छोड़ने और बाहर रोकने का जो सीक्वेंस है इसमें शरीर में अननेसेसरी किसी भी तरीके का कोई भी मूवमेंट ना करें। सांसों को जितनी आसानी से ले सकते हैं उतनी आसानी से लें और जितने देर तक बड़ी आसानी से कंफर्टेबल होके सांसों को रोक सकते हैं उतने कंफर्टेबल होके सांसों को रोकें। बहुत ही ज़्यादा तनाव बिल्कुल भी ना डालें और जो रोकने का सीक्वेंस है जो मैंने ये काउंटिंग बताई है कोशिश करें कम से कम देर तक सांसों को रोकें और अभ्यास को तनाव मुक्त रह के अभ्यास करें।
बहुत ज्यादा टेंशन लेके अभ्यास ना करें। अगर सांसें नहीं रोकना चाहते हैं तो सांसें ना भी रोकें। अब अगला अभ्यास कर रहे हैं यौगिक ब्रीदिंग का। यौगिक ब्रीदिंग करने के लिए फिर से क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठ जाएं और फिर अपने दोनों हाथों को इस तरीके से घुटने के ऊपर रखें। थंब को इंडेक्स फिंगर के साथ जोड़ लिया है, आंखें बंद कर ली है। गहरी लंबी सांस नाक से लें तो अपने पेट को पूरा फुलाएं, छाती को पूरा फुलाएं और गर्दन तक सांस भर लें, जिससे कंधे हल्का सा स्लाइटली ऊपर की तरफ हो जाए। और फिर सांस को धीरे धीरे जब छोड़ें तो गर्दन खाली यानी कंधे नीचे, चेस्ट इन यानी चेस्ट खाली कर दी, बेली इन यानी बेली को अंदर। तो इसका अभ्यास मैं अभी 5 राउंड आपको करके बताऊंगी। आप इसका अभ्यास मिनिमम 5 से 10 मिनट कर लें और इसका भी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। चाहे तो इस अभ्यास को बैठ कर कर लें या कि फिर आप आराम से लेट कर कर लें। आंखें बंद कर ली, चले अभ्यास करें। सांस लें, पेट बाहर, छाती बाहर, फिल योर ब्रेथ टिल नेक और सांस छोड़ें, चेस्ट शोल्डर डाउन, चेस्ट इन बेली गोज इन, रेशियो 1:1। सांस लें गहरी लंबी, बेली आउट, चेस्ट आउट, शोल्डर स्लाइटली गोज अप और सांस छोड़ें, शोल्डर डाउन, चेस्ट इन, बेली गोज इन। कंटिन्यू करें अभ्यास। एक चीज का ध्यान रखें कि जब आप श्वसन कर रहे हैं, यौगिक श्वसन कर रहे हैं, तो जब आप पेट को फुलाएं तो जानकारी पेट फूलने की हो, छाती को फुलाएं तो जानकारी छाती फूलने की हो, जब गर्दन तक सांस भरे तो इसकी भी जानकारी हो, यानी जानकारी आपको पूरी हो। और यही क्रम जब सांस छोड़े तो गर्दन, छाती और पेट कैसे पिचक रहे हैं, पूरी सांस कैसे बाहर जा रही है, इसका भी पूरी की पूरी आपको जानकारी हो। इससे हमारी अवेयरनेस बढ़ती है, शारीरिक और मानसिक तनाव कम होता है। तो जैसे हमने समवृत्ति प्राणायाम का अभ्यास किया, उससे हमारी ब्रीदिंग में थोड़ी कंसिस्टेंसी आ गई। फिर उसके बाद हमने डीप ब्रीदिंग का अभ्यास किया, जिसमें यौगिक ब्रीदिंग का अभ्यास, जिससे पूरी की पूरी लंग्स की कैपेसिटी इन्हेंस होगी। इससे आप और भी ज़्यादा रिलैक्स महसूस करेंगे। अब हम अगला अभ्यास कर रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। इससे आपका जो मेंटल टेंशन है, प्रेशर है, वो तो कम होगा ही होगा, साथ ही आप ब्रीदिंग और भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे, एक बैलेंस की स्थिति महसूस करेंगे। आपके राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन में एक बहुत अच्छा इक्वलिब्रियम या बैलेंस आप महसूस करेंगे। इस भी प्राणायाम का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। दिन में कितनी भी बार अभ्यास करें, मिनिमम 5 से 10 मिनट ज़रूर कर लें। अभी हम इसका अभ्यास 5 राउंड आपको करके बताएंगे। तो इस तरीके से आपने ये मुद्रा लगानी है, नासिक का मुद्रा, और लेफ्ट हाथ को इस तरीके से घुटने पर रखना है और राइट अंगूठे से राइट नॉस्ट्रल को बंद किया और लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लें। रेशियो 1:1 का रख रहे हैं, कोई बहुत फास्ट और बहुत हैवी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सांस लिया लेफ्ट से, 1, 2, 3, 4, लेफ्ट को बंद किया, राइट से सांस को छोड़ा, 1, 2, 3, 4, फिर राइट से सांस लिया, 1, 2, 3, 4, राइट को बंद किया और लेफ्ट से सांस को छोड़ दिया, धीरे धीरे, 1, 2, 3, 4, लेफ्ट से सांस लें, लेफ्ट को बंद करें, राइट से सांस को छोड़ें, फिर राइट से सांस लें और लेफ्ट से सांस को छोड़ दें, 2 बार और, सांस लें लेफ्ट से और राइट से सांस को छोड़ दें, राइट से सांस लें और लेफ्ट से सांस को छोड़ दें, 1 बार और, लेफ्ट से सांस लें और राइट से सांस को छोड़ दें, राइट से सांस लें और लेफ्ट से सांस को छोड़ दिया। हाथ को घुटने के ऊपर ड्रॉप करके अगले 1 से 2 मिनट शांति से बैठे हुए अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करें, ध्यान को अपनी नासिका पर लेके आएं। अब इन 3 अभ्यासों के बाद मैं आपको अगला एक ऐसा जबरदस्त प्राणायाम बता रही, शीतली प्राणायाम का अभ्यास या शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास। ये आपकी भूख और प्यास को कंट्रोल करता है, आपके मन को शांत करता है, काम डाउन करता है, जिससे आप मेडिटेशन को और मेडिटेशन में और भी डीपली
जा सकते हैं। तो अपने हाथ को घुटने पर रखा, आंखों को बंद कर लिया, जीभ को बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, मुंह से सांस लेंगे, ली हुई सांस को पी जाएंगे, गटक जाएंगे, पेट पे भर लेंगे, कुछ देर सांस को रोकेंगे, फिर अपनी दाहिनी नासिका को बंद करके गर्म सांसों को ठंडी नासिका से बाहर छोड़ देंगे। सिर्फ इतना अभ्यास करना है। तो 5 राउंड ये अभी अभ्यास करके दिखला रही हूँ। आप इसका अभ्यास जब करें, अभी चूंकि गर्मियाँ भी शुरू हो रही हैं, तो इसका अभ्यास 5 से 10 मिनट अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। तो अपने जीभ को बाहर इस तरीके से स्ट्रेच करें, मुंह से सांस लें, पी जाएं सांसों को, मुंह बंद कर लें। अब उसके बाद अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें और लेफ्ट से सांस को छोड़ दें। ऐसे 5 राउंड और। सांस लिया मुंह से, पी जाएं सांस को, राइट को बंद करें और लेफ्ट से सांस को छोड़ दें। आंख बंद कर लें। अगले 3 राउंड और। जो लोग ऐसे जीभ का ट्यूब ना बना पाएं, वो क्या करें, ऐसे दांत जोड़ लें एक दूसरे के साथ और दांत से सांस लें। कैसे? मुंह बंद किया, सांसों को रोक लिया और फिर उसके बाद राइट को बंद करें, लेफ्ट से सांस को छोड़ दें। फिर से देखिए, सांस लें अपने मुंह से, बंद कर लें मुंह को, रोक लें सांसों को अंदर, राइट से राइट को बंद करें, लेफ्ट से सांस को छोड़ दें। एक बार और, सांस लें मुंह से, पी जाएं सांसों को, राइट को बंद करें और लेफ्ट से सांस को छोड़ दें। अब अपने हाथ को घुटने के ऊपर ड्रॉप करें, आंखों को बंद कर लें और कम से कम 2 मिनट तक शांति से बैठे हुए इस प्राणायाम की शीतलता को महसूस करें। अब हम अगले प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, जिसका नाम है भ्रमरी प्राणायाम का अभ्यास। ये अभ्यास आपके शरीर में हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज करेगा, स्ट्रेस को कम करेगा, आपके हार्ट की मसल्स में जो टेंशन है, जिन भी लोगों को ब्लड प्रेशर बहुत अधिक बढ़ा होता है, आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी उनमें जो टेंशन है उसको भी लोअर डाउन करेगा, रिलीज करेगा। और साथ ही आप मेडिटेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं इस प्राणायाम के अभ्यास के बाद। मन और भी ज़्यादा फोकस्ड हो जाता है, तो मन ज़्यादा इधर उधर भटकता नहीं है, इसीलिए मेडिटेट करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप कैसे करेंगे भ्रमरी प्राणायाम का अभ्यास? पहले लगाएंगे षणमुखी मुद्रा, सारे सेंस ऑर्गन्स को बंद कर लेंगे उंगलियों की मदद से, आँखों को, नाक को, मुंह को, कान को बंद कर लेंगे, जीभ को अपर पैलेट पर लगाएंगे और एक पतली आवाज़, हमिंग बी की आवाज़, ना की साउंड निकालेंगे। मेरे साथ आप 5 राउंड करेंगे यह अभ्यास। सांस लिया गहरी लंबी, सांस ले गहरी लंबी, दो बार और, एक बार और, हाथ को घुटने पर ड्रॉप कर दें, आंखों को बंद करें। जब आप अभ्यास करें तो इसका 9 राउंड या 11 राउंड या 5 मिनट अभ्यास कर लें इसी तरीके से। अब जैसे ही अपने हाथ को घुटने के ऊपर ड्रॉप करें, आंखों को तुरंत बिल्कुल ना खोलें और इस अभ्यास के बाद जो रेजोनेटिंग इफेक्ट है इसको महसूस करें अपने पूरे फोरहेड रीजन पर, और अगले 10 मिनट कम से कम शांति से
10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, जितने भी आपके पास वक्त हो, शांति से बैठे हुए अपने ध्यान को अपने माथे पर रखें, फोरहेड रीजन पर रखें और भ्रामरी के इफेक्ट को की जानकारी बना के रखें। अब क्रॉस लेग पोजीशन पर बैठे हुए, पालथी मार कर बैठे हुए अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लेके आ जाएं और नासिका के द्वार से सहज स्वाभाविक सांसों का, नॉर्मल नेचुरल ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करें, बिना सांसों के आने और जाने में कोई परिवर्तन किए हुए। अपनी सांसों को देखें, वॉच योर ब्रेथ। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस में। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को सुबह 7 बजे से 8 बजे तक जूम के माध्यम से कंडक्ट किया जाता है और ये ऑनलाइन योगा क्लासेस परफेक्ट हैं, चाहे आप बिगनर हैं, चाहे आप ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हैं या आपकी हेल्थ कंडीशन है। हर एक व्यक्ति को उसकी हेल्थ कंडीशन और उसके लेवल के हिसाब से क्लासेस को उस तरीके से मॉडिफाई करके बताया जाता है। आज इन योगा क्लासेस को ज्वाइन करके मेरे स्टूडेंट्स कई सारी हेल्थ कंडीशन से उभरे भी हैं और एक अच्छी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने में सक्सेसफुल भी हुए हैं। अगर आप इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को सुबह 7 बजे से 8 बजे नहीं ज्वाइन कर पाते किसी कारण से, कोई बात नहीं, आप मेरे द्वारा डेवलप किए हुए कुछ कोर्सेस हैं वो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इन कोर्सेज को जब आप परचेस करते हैं तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है कि आप कहीं भी, किसी भी वक्त, कितनी भी बार अपने कंफर्ट के हिसाब से इन वीडियोज़ को प्ले कीजिए और अभ्यास कीजिए। घबराइए नहीं, अगर आप कोई बिगनर हैं तो भी आपके लिए ये जो कोर्सेज हैं बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होंगे। इन कोर्सेज को कंप्लीट करने के बाद आपको कोर्स को कंप्लीट करने का एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। अगर आप इन क्लासेस और कोर्सेज के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट शेयर की है, www.yogawithshahida.com। अगर आप वेबसाइट नहीं विजिट करना चाहते हैं तो एक व्हाट्सएप कर दें छोटा सा, जो कि स्क्रीन में यहाँ पे एक नंबर मैंने शेयर किया है। तो आप सभी का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है, अभी मेरी वेबसाइट चेक कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। तो देखा आपने कितनी आसानी से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया इन प्राणायाम का अभ्यास और ध्यान किस तरीके से करते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिल सके। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी और अगर आई है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इसे शेयर कीजिए ना, मुझे बहुत खुशी होगी। आप अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलूंगी, लेकिन हाँ, आपको निरंतर योग अभ्यास करना है। अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।